डियर फ्रेंड्स, आज हम ईगल पीसीबी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले पार्ट में हम लाइब्रेरी पर आ गए थे, कंपोनेंट्स को लाइब्रेरी से हमें शुरुआत करनी है। आज कैसे ऐड करना है उसको अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म स्कीमेटिक में। तो स्कीमेटिक में ऐड करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना ये प्रोजेक्ट खोलते हैं, मल्टीटेक एजुकेशन फॉर यू। इसके अंदर फाइल है फुल वेव रेक्टिफायर स्कीमेटिक, जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। इसके ऊपर हम दोबारा चलते हैं, सर्किट देख लेते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल मूव। हम आगे चलते हैं। ये हमने पिछली बार जो है यहाँ पर छोड़ा था, इसको हम रिमूव कर देंगे और एक फ्रेश फाइल बनाएंगे। ये सैंपल के लिए बनाया गया था, तो हम फ्रेश फाइल को लेके चलते हैं। अब हम सबसे पहले हमको ग्रिड ही चूज़ करनी पड़ेगी, तो हम ग्रिड के यूज़ कर रहे हैं। स्क्रीन पर याद है आपको 0.635 ही चूज़ करना है हमको, mm में कन्वर्ट करना है इंच को। नीचे की वैल्यू सेम रहेगी, mm में कन्वर्ट करने पर वो आएगी 0.253। ये आ गई, और अब इसको हम कर देते हैं ओके। अब इस ग्रिड को लाने के लिए दिखती नहीं है कई बार, तो हम जूम इन पे क्लिक करेंगे, उससे हमारी ग्रिड अपीयर होनी शुरू हो गई है। अब इस ग्रिड के ऊपर हम ऐड से कंपोनेंट जोड़ने शुरू करते हैं लाइब्रेरी को यहाँ पर लाकर। ये हमारी लाइब्रेरी खुल गई, ये हमारी डायग्राम। हमें यहाँ पे पिन हेड चाहिए, ये कंपोनेंट्स डायोड चाहिए, यहाँ पे पिन हेड लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मर बाहर रहेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम पिन हेड चूज़ करेंगे। उसके बाद वन बाय वन और कंपोनेंट्स पर आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से लाइब्रेरी खोलते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ यूएस कंपोनेंट्स की मैक्सिमम, ये आपके ऊपर है आपको कौन सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे पिन हेड, नीचे सर्च में पिन लिखते ही हमारा हेडर अपीयर हो गया ओके करते ही। ये हमने पिन हेडर चूज़ किया, ये हमारा एक पिन का है और हमको चाहिए दो पिन का। तो दो पिन का कैसे आएगा दोस्तों, ये अब हम जो है फिर दोबारा से वहाँ जाएंगे। ये देखिए वन इन टू वन पिन, तो हम जो है इसको लेते हैं, यहाँ पे दो पिन आ गए हैं। पर अभी साइड पे सिंबल आना बहुत ज़रूरी है बोर्ड के लिए, दोनों में सिंबल होने चाहिए। ओके करेंगे तो ये वहाँ नहीं जाएगा जब तक दोनों के अंदर सिंबल्स नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें इस फोल्डर से बाहर निकलना है। फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा, फोल्डर के अंदर है वो। ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जब, तो नीचे और फाइल खुलेगी, उसके आगे ये मार्क नहीं होगा, वो वहाँ पे अपीयर करेगा। फोल्डर से कभी भी अपीयर नहीं होगा। फोल्डर को खोलो, अब इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं 1:2, ये 1:290, ये डिफरेंट शेप है, ये वो डिफरेंट शेप है। तो डिपेंड करता है आपने कौन सी यूज़ करनी है, तो मैं प्रेफर करता हूँ 1:02 वाली। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए दूसरा दोनों तरफ सिंबल आ गए अब आपके। अब हम इसको ओके करके यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, ये हवा के अंदर तैरता है। हमें दो पिन चाहिए तो हमने दो लगा दी। अब हमें एस्केप का बटन दबाना, वापस हम लाइब्रेरी पर आ गए। और इन सब को बंद करो, नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट कंपोनेंट जब हम ढूंढेंगे वो इसके अंदर ढूंढता रहेगा। तो ये दो पिन हेड हमारे आ गए हैं, इसको हम फिट कर देते हैं विंडो फिट, ताकि और कंपोनेंट्स आ सकें। फिर चलते हैं लाइब्रेरी पर,
अब हम लिखते हैं पिन हेडर डायोड। अब हम देखते हैं कहाँ मिलेगा हमको, ये आ गया डायोड्स। तो हमारा है 4007, 4001, आप कोई सा लगा सकते हो। इसके बाद हम कैपेसिटर पे आएंगे बाद में। चूज करने के लिए आप मेरी ये वीडियो साथ में देखिए पहले कैसे चूज करते हैं। तो ऐसा करता हूँ, ये अलग अलग कैपेसिटर मंगवा के रखे हुए हैं, हेल्प करते हैं डिजाइनिंग में। ये हो गया, ये 1000 माइक्रोफराड का है, ये 220 माइक्रोफराड, ये 10 माइक्रोफराड, तो अलग अलग टाइप है। और ये सेरेमिक कैपेसिटर है, इनकी शेप ऐसी है। तो आप ये कर सकते हो, मार्केट से किसी से मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से। और जिस समय मैं कंपोनेंट्स ढूंढता हूँ, वैसे तो तरीके बहुत हैं, तो मैं इसका डाया देख लेता हूँ। क्यों, पीसीबी डिजाइनिंग में अगर जो हमने छोटे कैपेसिटर को डिजाइन कर दिया और उसमें ये लगा दिया हमने बड़े वाला, अब ये 10 mm का 12 mm का होगा, ये फिट नहीं बैठेगा। इसकी ये डिस्टेंस है वायरिंग में भी, छोटे को चूज करके हमने डिजाइन कर दी पीसीबी, लगाना था हमको ये बड़ा। तो ये आपको जो है ना गूगल सर्च में भी मिल जाएगा, कैपेसिटर का वो डालो और डाया पता कर सकते हो। तो ये पता होना चाहिए, पर मैंने अपना घर में ये ला के रखा हुआ है, इसमें लगाया इसको। ये देखो, ये 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये दिखा रहा है हमको 16 mm। ये 0, 10, 6, 16 mm का है। तो हमें 1000 के कैपेसिटर के लिए बजाय 10 mm का लेने की जगह बेटर हो, हम लेंगे 16 mm का। तो सिमिलरली एक्चुअल डाया मिल जाता है, वरना तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, कहीं पतला भी बनाते हैं, कहीं मोटा भी बनाते हैं। तो आपको पीसीबी के हिसाब से कैपेसिटर लेना पड़ेगा साइज। पर बाई चांस आपके पास ये है तो थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे तो उसमें छोटा लग सकता है। अब हमने 10 mm का चूज़ किया, 12 mm का डाया और हमें मिला 16 mm का, ये फिर भी चल जाएगा। थोड़ा वायर बाहर निकाली, थोड़ा इधर निकाला, लगा दिया। पर अगर जो हमने छोटे कैपेसिटर के हिसाब से बना दिया और लगाएंगे हम बड़ा, तो ये जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं इसके नीचे आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम आएगी। तो पीसीबी डिजाइनिंग में ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने महसूस की है। और इनका डाया वैसे ऑनलाइन गूगल सर्च पे सब मिल जाता, उसी पे पहले निकाल के रखो आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, उसका डाया क्या है, क्यों प्लेसिंग करते समय मुश्किल ना है पीसीबी में। पीसीबी बन के आ गई, पता लगा बाद में लग ही नहीं रहा, ये थोड़ी केयर करनी होती है। इसी तरीके से पीसीबी में वो जो हम ट्रैक बनाते हैं उसके जो साइजेज हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए भाई कहाँ पे ज़्यादा करंट रन करेगा, कहाँ पे कम करेगा। पावर सप्लाई सेक्शन में ज़्यादा करता है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा रखना थिकनेस उसको, वो आगे चल के देखते हैं कैसे करना है। तो आपके लिए ये मैं दिखा रहा था आपको, इस ये भी एक तरीका है। ये डायोड हम पहले चूज़ कर चुके हैं, बस ओके करके इसको ड्रैग करके ये इस स्क्रीन के पीछे आ गया। तो अब हम चलते हैं कैपेसिटर पर। अब हमें कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड का लगा रहा हूँ मैं, इसमें जो ड्राइंग में है वो 470 का है, बेटर है। तो उसके लिए हमें डाया 13 mm से 16 mm तक का चाहिए, हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, इसकी रेंज में मिल जाते हैं ये। तो ये 12 mm है, 16 है, दूसरे में ढूंढना पड़ेगा हमें E3012, क्यों प्रॉपर साइज़ चाहिए हमको।
ये आ गया 12 mm का, पर ये शेप जो है ना ये वो नहीं है जो होनी चाहिए, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं E5 13, तो ये 13 mm का हम जो यूज़ करेंगे, वही सेम प्रोसेस, ओके करना है, ड्रैग करना है, राइट, प्रैक्टिस। अब यहाँ से एस्केप होते हैं, फिर लाइब्रेरी पर आ जाएंगे एस्केप बटन दबाते ही। अब हम छोटा कैपेसिटर जो है, मैं 220 माइक्रोफैराड का लगाऊंगा, उसके लिए हमें 5 या 6 mm का डाया चाहिए, तो ये हम ऊपर आ जाते हैं, ये 4 mm का आ गया, ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, उसका डाया नियर अबाउट 6 mm होता है, तो हम जो है 6 mm को चूज़ कर लेते हैं। ओके करके इसको वहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं स्कीमेटिक प्लेटफॉर्म पर, तो ये आ गया हमारा छोटा कैपेसिटर। तो ये जो साइजेस की जो है ना देखना बहुत ज़रूरी है, तो ये हमें दो कैपेसिटर चाहिए साइज के, तो मैं दूसरा एक करके फिर मैं एस्केप हो जाऊँगा। अब हम इन सबको वापस क्लोज कर देते हैं, नहीं तो सर्च करने में इसको मुश्किल आती है, ये ज़रूरी है थोड़ा बहुत। फिर RCL पर आ जाते हैं, रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर्स के ऊपर, और यहाँ हम अब ढूंढेंगे रजिस्टर लिखना है, रेजिस्टेंस आ जाएंगी। थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक का मज़ा भी लीजिए भाई, बुजुर्ग आदमी है, थक जाते हैं, अब आप देखिए थोड़ा सा। सभी हमारे सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं सर्किट के हिसाब से, इनको सेट कर लेते हैं सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली, कौन सी कहां पर है प्लेसमेंट, और अगली वीडियो में फिर हम वायरिंग पे आएंगे। कंपोनेंट्स के बाद वी विल स्टार्ट वायरिंग, चेक कर लेते हैं सारे कंपोनेंट्स। यस, को थोड़ा सा बिठा देते हैं अपनी अपनी जगह, वायरिंग अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे इसकी। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ से वायर लेंगे, यहाँ लाएंगे, इधर से वायर लेंगे, एज पर द सर्किट। इन द नेक्स्ट पार्ट